सर्दी में भी हाथ से ताली बज जाए बहुत बड़ी बात है। लोग तो तापने के लिए हाथ नहीं निकालते, आप तालियां बजा रहे हैं। एक छोटा सा खंड गीत और प्रयास कर रही हूँ कि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। ये जो संजय भैया हमारे, इन्होंने इतने कार्यक्रम मेरे डाल दिए हैं यूट्यूब पर, सब गाना इन्होंने ले लिए, सारे गाने हमारे इतने प्रसारित कर दिए हैं कि कहीं जाइए तो सोचना पड़ता है क्या गाया जाए। इनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। और रोज रोज इतने गाने बनते भी नहीं है, अच्छे गाने तो यदा कदा बनते हैं, तो सोच नहीं पाते हम लोग क्या गाएं, फिर भी प्रयास कर रही हूँ। आइए एक छोटा सा कट पीस। ये बात कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तो ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न पूछा को सुनिएगा। कटपीस में एक छोटा सा मिश्रण है, मिलाप है। और चाचा सुन तो आप ध्यान से रही है, रही नहीं रहे। आपके साथ सुन रही है दो दीदी। बहुत बड़ा मंडल है इनका भैया। चाचा कह रहे मैं भी सुन रही हूँ। धन्यवाद। शराबी उधर है, नशा इधर हो रहा है। ऐसे गाने को तो ऐसी बात हो। सुनिए तभी तो। हेलो हेलो सब नशे वाले। तभी एक बात, जब आप कह रहे ना इधर शराबी और नशा इधर, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अंगूर की बेटी ने दुनिया उठा रखी है सर पर। अंगूर की बेटी ने दुनिया उठा रखी है सर पर, वो तो अच्छा हुआ कि उसको बेटा ना हुआ। जय हिंद जय भारत। सुनिए एक प्रयास एक प्रयोग के घी और शहद। अब जो मैं सुना रही हूँ इसका प्रयोग मैंने किया नहीं, लेकिन आप जैसे बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना है। क्या सुना है? कि घी और शहद मिला खाने से मानव व्रत बन जाता है। कहते घी और शहद को अनुपात में मिलाकर अगर आदमी खा ले तो मर जाता है। हालांकि हमने कभी ये किया नहीं, चाचा आप भी ना करिएगा। हो सकता है दिमाग में आए क्रांति माला करे जी, खा के देखें होता है कि नहीं। बेटा गंदी बात, हमारी उम्र भी आपको लग जाएगी। और आप जो चाचा हैं। सुनिए तो घी और शहद मिला खाने से मानव व्रत बन जाता है, लेकिन के दूध दही शक्कर को मिला दो तो अमृत बन जाता है। अब पांचों को मिलाइए, यानी घी शहद दूध दही शक्कर, तो पांचों को कर एक किया, के पांचों को कर एक किया, के
पांचों को कर एक किया तो वो बंचा अमृत बन जाता है। धन्यवाद। पहले मानव अमृत बन जाता है, फिर तीनों को मिलाया तो अमृत बन जाता है, अब पंचामृत। लेकिन पंचामृत से भी अच्छा क्या बन जाता है के पांचों को करे एक किया, के पांचों को करे एक किया तो पांचों को कर एक किया तो पंचामृत बन जाता है। लेकिन इसी पंचामृत से के प्रभु जी को नहना के पियो तो चरणामृत बन जाता है। परम सम्मान्य क्रांति माला संकीर्तन मंडल कानपुर बहुत अच्छे चक्र से नवाजा है। मैं इस चक्र के लिए बस इतना कह सकता हूं कि सच के मुजरे में सजा दीजिए हमको, फिर सलीबों में चढ़ा दीजिए हमको, दुनिया के हर बार आज सहले के जिस्म पर, बस इस चक्र के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुना दीजिए हमको, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुना दीजिए हमको। अब इसके बाद मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बैठिएगा दादा लालचंद दीक्षित जी पूरे जोश और खरोश के साथ आपके बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। बहुत अच्छे श्रोता यहाँ उपस्थित है। 50 रुपए का पारितोषक भाई, मैं शराबी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, लेकिन वक्त है आखिरी, जिंदगी की शाम है आखिरी। हर रोज आदमी सोचता है कि अब कल से नहीं पीऊंगा। वक्त है आखिरी, जिंदगी की शाम है आखिरी। तौबा करता हूं कल से पीऊंगा नहीं। बस आप एक जाम भर दो आज आखिरी, एक जाम भर दो आज आप आखिरी। और जहां तक पीने के बाद, जैसा कि दादा कह रहे हैं कम पीने में कोई बुराई नहीं है, हम भी कह रहे हैं वो दवा है, एलप्रेक्स बिल्कुल वही चीज है। लेकिन पीने के बाद आदमी बड़ा उच्च विचार रखने लगता है, बड़ा अपने आप को रही समझने लगता है। कैसे? इस प्रमाण के साथ ये मंच आपके हवाले करता हूँ कि दो शराबी शराब के नशे में धुत थे, कहां पर? आगरे के ताजमहल के सामने। तो देखिए उनके विचारधारा देखिए आप, कि दो शराबी शराब के नशे में धुत थे और दोनों आगरे के ताजमहल के सामने चित पड़े थे। एक बोला कल मैं ताजमहल खरीद लूंगा, एक बोला कल मैं ये ताजमहल खरीद लूंगा, दूसरा बोला चुप हो जा वरना एक झापड़ दूंगा, पहला बोला तुझे विश्वास नहीं होता तो देख लेना कल इसे खरीद लूंगा खड़े खड़े यहीं, दूसरा बोला चुप हो जा बे, तू क्या खरीदेगा जब मैं बेचूंगा ही नहीं, तू क्या खरीदेगा जब मैं बेचूंगा ही नहीं। लेकिन बात घूम फिर के वही आ जाती है कि मैं शराबी नहीं हूं। आइए समर्पित करता हूं दादा दीक्षित जी को ये मंच, एक बार जोरदार तालियों से साथ दीजिएगा और पूरे जोश और खरोश के साथ यह कार्यक्रम आपके हवाले। धन्यवाद। मैं एक बार परम सम्मानी महेंद्र यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज जो अलग जगाई है वो आपने जगाई है। एक समय बीच में ऐसा गुजरा है जहाँ कीर्तन अपने क्षेत्र से दूर हो रही थी, लेकिन आपके अथक प्रयास से आज वो व्यवस्था यहाँ नजर आ रही है कि एक एक बंदे तक चाय पहुंच रही है। तो आयोजक मंडल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। संचालक महोदय जी ने ये कहा था कि मैं तुमको 12:40 पर ये कार्यक्रम सौंप रहा हूँ, मुझको नहीं बताया इन्होंने कि मैं तुमको 1:45 पर सौंप रहा हूँ। क्रांति माला जी कह रहे थे और तो सब ठीक है, हम आपसे जल्दी सोच रहे थे, आपने बहुत दिल लगा ली। क्रांति माला जी हम आपके आभार ज्ञापित करते हैं, आपने बहुत जल्दी अपना टर्न समाप्त करके हमको दे दिया। एक घंटे में कोई दिया, अभी एक से कम क्या हो सकता है।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। जवाब कभी किसी कलाकार के गले उतरता नहीं है, बिल्कुल नहीं उतरता तो है, लेकिन स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे गीत में बंधन लगे थे, पहले बंधन लगा था, फिर बंधन को निगल लिया, फिर दूसरे बंधन को स्वीकार कर लिया। केवल एक जगह ब्रह्म अस्त्र ही साधा कभी मन की निविचार, जो न ब्रह्म शर्मानो महिमा मिटय पार। यहाँ कौन सा बंधन निकल गए? आदरणीय क्रांति माला जी, अगर तुम हमको बाप कहती हो तो बिटिया बन के सुनो। ये बंधन तो अच्छा, जो हमने गाए क्या वो पाकिस्तान से जुड़े थे? वो भी हनुमान जी से थे, समझो। हनुमान जी लेखक भी हैं, गायक भी हैं, श्रोता भी हैं, दर्शक भी हैं, पाठक भी हैं। वहीं से ये शुरू कर दिया था। लेखक का ज्यों लेखन से जय हो, लेखक का ज्यों लेखन से, पाठक का ज्यों पाठन से। अब एक चीज छोड़ दी थी तो और जोड़ दो। गायक का जो गायन से, दर्शक का जो दर्शन से, ये बंधन तो भाव का बंधन है। सभी इसी के लिए थे। आप कहते हैं कि वो एक बंधन बन गया, एक छोड़ दिया। आदरणीय ने आपने दिमाग लगाई नहीं गीत में, केवल आप अपने गीत पर लगाते दिमाग, दूसरे गीत पर नहीं लगा पाते। या फिर आपके पास उतना है ही नहीं है तो कि दो दो जगह खर्च कर सकते। ये क्या बात है। अब ही मां तुम्हें चाव लवाई, ये लेकिन प्रभु आया तू नहीं राम दुहाई। ये बंधन तो बचन का बंधन है। पाकिस्तान के लिए बंधन भी है, बंधे भी नहीं है। कैसे? ना करिए आदरणीय क्रांति माला जी, केवल बातों की बताशे फोड़ने से जवाब ही नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। सुनिएगा जवाब, सुनिएगा क्या हो रे ये गीत आया है बढ़िया। गीत के पहले कभी हमने तो पोते लिया थे। कि
कि हमने तुमको दिल ये दे दिया हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी न पूछा कौन हो तुम ये फैसला जो हमने किया ये फैसला जो हमने किया तो ये फैसला जो हमने किया ये भी न पूछा कौन हो तुम बस सुनिएगा घी शहद को मिला के खा ले तुम मानो अमृत बन जाता है। इन्होंने सुना है प्रयोग करके देखा नहीं है। देख भी नहीं लेना बेटा कभी तो शर्मा जी अंदर हो जाएंगे हमको मुकदमा करने का मौका मिल सकता है लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा हम ऐसा करेंगे नहीं इसके पहले तुम ऐसा करना नहीं। अच्छा जो करना नहीं है उस चीज को गाना ही बेकार है। क्या बात क्या बात ठीक है सहमत है आप हैं रोक रही भी मैंने सुना है। मैं जो तुम्हें जवाब दे रहा हूं बेटा वो मैंने किया है। क्या बात जवाब और तुमको भी करने की सलाह दे रहा हूं यहां जितने बैठे सबको करने की सलाह दे रहा हूं। ये गीत आपका अच्छा है कोई दो राय नहीं। मानव मृत बन जाता है फिर अमृत बन जाता है फिर पंचामृत बन जाता है। अच्छी विधा है मृत अमृत पंचामृत क्रमशः अक्षर बढ़ रहे हैं। और पांच चीजें मिलाई अलग अलग फिर इकट्ठी देखना जरा कि मिले गाय का घी जब आप तुमसे बड़ा हो जाए तो बताना क्रांति मारा मिले गाय का घी तो व्यंजन नंबर वन बन जाते हैं। वाह वन बन जाते हैं देखना जरा मिले गाय का घी तो व्यंजन नंबर वन बन जाते हैं। ये और दूध दही घी तीन मिले दूध दही ही तीन मिले तो सुखमय जीवन बन जाते हैं। बाबा रामदेव को देखना जरा गौमूत्र और उसमें जो गोबर मिला दे गौमूत्र और उसमें गोबर मिला दूध दही घी गोमूत्र और गोबर की इन पांचों को अगर मिला दे तो संजीवन बन जाए। क्या बात
इसको कहते हैं पंचगव्य। ये और जो भी यज्ञ में बैठता है उसको पहले पंचगव्य पीना पड़ेगा, तब ये परीक्षित बनने का अधिकारी होगा। ये घर में पियो, एक भी रोग नहीं आएगा। लेकिन शहद और घी ना पी ले। क्या बात, आदरणीय तुम्हारी सेहत कहीं से आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है? मैं जो कह रहा हूँ एक ही चीज से पांचों निकल रही, गाय से पांचों चीज निकल रही है। क्या बात है, क्या बात है। कि मिले गाय का घी तो व्यंजन नंबर वन बन जाते हैं, और दूध दही घी तीन मिले तो सुखमय जीवन बन जाते हैं। वन जीवन तीसरी बार गोमूत्र और इसमें गोबर मिला दे, गोमूत्र और जो इसमें गोबर मिला, इन पांचों को अगर मिला दे तो ये सजीवन बन जाए।